शामली में मामूली विवाद में नाबालिग लड़कों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिला समेत 6 से 7 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उन्नाव में एक की बाइक पर 7 युवकों की स्टंट करना पड़ा भारी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 16,000 का चालान। राहगीर ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। हाथरस डिपो की रोडवेज बस में परिचालक की अश्लीलता का वीडियो आया सामने। मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। बस यात्रियों ने वीडियो किया था वायरल। बदायूं में खेल खेल में मासूम का सिर पतीले में फंसा। किसी तरह बाद में पतीले को काटकर बच्चे को बचाया गया। कुरवा गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ में अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल की जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि और बोले कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पिछड़ों के लिए काम किया था और 2024 में फिर से कमल खिलाना जरूरी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में बस में सवार 17 यात्री हुए घायल। बस ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में भारी बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबने से पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। मिल एरिया में थाना क्षेत्र के देवानंद कमा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। अपराधी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। लूट की कार को जब्त कर लिया गया है। बागपत में 4 साल बाद जेल से वापस लौटे पूर्व विधायक सत्येंद्र सोलंकी। इंद्रपाल हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे थे। समर्थकों के साथ काफिले में पहुंचे अपने गांव। एटा में दबंग भू माफिया ने सर्राफा व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ की। दबंगों ने जबरन दुकान का कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। कहा अचानक से हमले का प्लान बनाया गया था। रोहना टोल से आरोपियों ने चंद्रशेखर का पीछा किया था। गाजीपुर में अंसारी ब्रदर्स पर शिकंजा तेज हो गया है। एसडीएम मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में कई विभागों ने होटल मिड टाउन में की छापेमारी। अंसारी के रिश्तेदारों को बताया गया होटल। हरिद्वार में कांवड़ियों को राहत देने की तैयारी की गई है। जाम से निजात दिलाने के लिए कांवड़ियों के लिए खोल दिए जाएंगे हिल बाईपास। अधिकारियों ने बाईपास का निरीक्षण किया। लखसर पुलिस की खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर 3 जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। खनन माफियाओं में कार्रवाई से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण के लिए शहीदों के आंगन में मिट्टी की गई एकत्रित और पवित्र नदियों का जल भी किया गया इकट्ठा। जो उत्तरकाशी से गंगा का पवित्र जल देहरादून के लिए किया गया रवाना। बारिश से उत्तराखंड के नदी नालों में आया उफान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद। लामबगढ़ नाले के उफान के चलते सड़क पर आया भारी मलबा। सोनभद्र दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का किया गया भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। 32वें अंतर्राज्यीय स्वास्थ्य मेले का मंत्री जी ने किया उद्घाटन। मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन का किया ऐलान। बोली बसपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है लेकिन कानून को जबरन ना थोपा जाए। साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। कहा महंगाई को कंट्रोल करे भाजपा। बाराबंकी की पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक स्कूल का किया उद्घाटन। सपा के पूर्व एमएलसी एसपी सिंह का है स्कूल और इस दौरान अखिलेश ने से मिलने वालों का लगाता था। भीमामी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामला। हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी हरियाणा के अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे।
चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ में सपा द्वारा अखबारों में दिए गए विज्ञापनों में शिवपाल की नहीं दिखी तस्वीर। शिवपाल खेमे के कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी और जन्मदिन को लेकर दिया गया था विज्ञापन। रामपुर में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा कार्यालय पर आजम खान ने कलम से काटा केक। अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा, नकली समाजवादी लोगों ने पार्टी का नुकसान किया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आगरा के स्लम एरिया में बांटे गए टमाटर। सपा नेता ने कहा, महंगाई चरम पर तो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है टमाटर, सपा पार्टी गरीबों का ख्याल रखती है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और सुंदर भाटी गिरोह के 2 सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार सहित कार की बरामद। दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने की कार्रवाई। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 साल के मासूम की हत्या। नशेड़ी युवक ने की बच्चे की हत्या। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। एलकेजी में पढ़ता था मासूम बच्चा। झांसी में एमपी भिंड ने कथा करने आए कथावाचक पर नाबालिग को भगाकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी को चकमा देकर भागी पीड़िता। थाना प्रेमनगर का मामला। पिथौरागढ़ में लेपर्ड की गणना के लिए स्नो लेपर्ड पाए जाने वाले क्षेत्रों में टेप कैमरा होगा स्थापित। लेपर्ड के आवासों को संरक्षित करने के लिए होगा कार्य। विकासनगर में 2 मंचलों को युवती को छेड़ना पड़ा भारी। दोनों युवकों पर हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा। विशेष समुदाय के लोगों ने चौकी का घेराव कर की नारेबाजी। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर आधा दर्जन युवकों के बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिला में धारा 144 लागू होने के बावजूद युवकों ने बोनट पर केक काटा, पटाखे जलाए और घंटों चला ये खुलेआम बवाल। थाना 24 क्षेत्र का मामला। मेरठ में एंटी करप्शन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एमडीए की महिला क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और महिला ने सख्त शख्स से काम करवाने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। नोएडा सेक्टर 79 के पास थाना 113 पुलिस की कार सवार 3 बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। एक साथी फरार। 2 दिन पहले नोएडा सेक्टर 46 का मार्केट से बदमाशों ने क्रेटा को कार को चुराया था। पुलिस ने क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया है। घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। कानपुर में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान हुई मौत। परिजनों ने इंजेक्शन की ओवरडोज देने का लगाया आरोप। शव रखकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिजन। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने पीछे से दूसरे ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। ट्रक के उड़े पर कच्चे। ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तासरपुर गांव का मामला। श्रावस्ती राप्ती का अचानक जलस्तर बढ़ने से मुझेना के पास कटा बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांव पर मंडराया खतरा। ग्रामीण और बाढ़खंड के लोग बांध को बचाने में जुटे। वाराणसी में सावन को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर प्रमुख सचिव ग्रे और डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी बनाई गई रणनीति। हरिद्वार में भी प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ मेले को देखते हुए मेले क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह सड़कों में पानी भरने से राहगीरों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। कई जगह मलबे में फंसे हैं वाहन। मऊ में देह व्यापार को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक होटल को किया गया सील। होटल संचालक पर देह व्यापार चलाने का आरोप।
अमरोहा में दूल्हे राजा ने भी गाड़ी का सनरूफ खोलकर मचाया उत्पात। जान जोखिम में डालकर किया स्टंट, बारात के दौरान उपद्रव करते दूल्हे का वीडियो वायरल। उन्नाव में एक ही बाइक पर 7 युवकों का स्टंट करते वीडियो हो रहा है वायरल। सीओ सदर ने एआरटीओ से बाइक का नंबर निकलवाकर 16,000 रुपए का चालान काटा। अमरोहा में बाइक सवार शातिर लुटेरों ने महिला को बनाया निशाना। ई रिक्शा से जा रही महिला के कानों से लूटे सोने के कुंडल। दवाई लेकर गजरौला जा रही थी महिला, लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। रुद्रपुर कोतवाली में 13 साल की नाबालिग बहन से रेप के आरोप में भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादीशुदा आरोपी की पत्नी के भाई ने थाने में किया था मुकदमा दर्ज। बस्ती में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से पानी पानी हुआ शहर। स्कूल से लेकर अस्पताल के बाहर सड़कों पर भरा पानी, एम्बुलेंस के पहिए भी डूबे। पानी भरने से लोगों को हो रही है खास परेशानी। श्रावस्ती में 12 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सड़कों पर पानी भरने से नगर पालिका के खुले पोल, लोगों का सड़कों पर चलना हुआ दुभर, घरों में घुसा पानी। जालौन में लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, घर में रखा गृहस्थी का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे लोग मजदूरी कर गुजारा करते थे परिवार। चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदी नाले। बटनागढ़ पहाड़ी नाले से भारी मात्रा में आया मलबा, पूर्णागिरी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन फंसे। पौड़ी जिले के में बेखौफ सड़कों पर घूमता नजर आया गुलदार। रात के अंधेरे में सड़कों पर बेखौफ गुलदार चहलकदमी करता हुआ देखा गया। कंडोलिया सर्किट हाउस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का डीएम हिमांशु खुराना ने शनिवार को किया जायजा, लिया जायजा और मास्टर प्लान के तहत चल रहे काम का किया निरीक्षण। मजदूरों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर पहुंची पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन, गुरुवार को चेन्नई से चलकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस और 7 जुलाई को पीएम मोदी दे सकते हैं हरी झंडी। महाराष्ट्र में बड़ा हुआ सियासी उलटफेर। देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। छगन भुजबल समेत कई ने ली मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के दौरान दिग्गज नेता राजभवन में रहे मौजूद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरफ रहे मौजूद। गुजरात में बाढ़ का कहर जारी। ओजाट डैम में पानी छोड़े जाने से बाद जूनागढ़ के कई गांवों में घुसा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। गर्भवती महिला को चारपाई पर बैठाकर करवाई गई नदी पार। राजस्थान के बारह में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, पुलों और सड़कों पर जलभराव से लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर रुकी आवाजाही। लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर। बांध में कटान से 1 दर्जन से अधिक गांवों पर मंडराया खतरा। अहमदाबाद में कई पॉश इलाकों में भरा पानी। आनंद नगर 16 और बापूनगर में हालात बद से बदतर हुए। पानी भर जाने की वजह से 4 अंडरपास बंद किए गए। गुजरात के जूनागढ़ में जोन से दिखे बर्बादी के निशान। कई गांवों के चारों तरफ पानी का घेरा, कई सड़क वहीं तो कहीं घर गिरे। उत्तराखंड के चमोली में नेशनल हाईवे 7 पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। हाईवे पर मलबा आने से श्रद्धालु फंसे।
मध्य प्रदेश के मुरैना में सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, शहर के कई मोहल्ले और अस्पताल पानी में डूबे। उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर हाईवे के पास लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप, वाहनों को चंपावत कोतवाली बैरिया के पास ही रोका जा रहा है। उत्तराखंड की हरिद्वार में जल प्रहार इलाके में पानी भर जाने से लोगों को जीना हुआ मुहाल, मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की दी है चेतावनी। गुजरात के जामनगर में जोरदार बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के भिवंडी में जल जमाव के ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शहरी इलाकों में भारी बारिश से पानी भरा। बिहार के रोहतास में सोन नदी में फंसे 28 ट्रक, 10 से ज्यादा जेसीबी मशीनों की मदद से सभी ट्रकों को निकाला गया बाहर। अमरनाथ गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन की हुई शुरुआत, कई श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, भव्य आरती में भी शामिल हुए। ओवैसी ने पसमांदा मुसलमानों को लेकर के प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा कि मोदी सरकार दलित मुसलमानों के लिए एससी आरक्षण का क्यों करती है विरोध। मध्य प्रदेश के सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन, बोले एक देश का एक कानून होना चाहिए। बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए और की पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी, एक संदिग्ध युवक को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया। दिल्ली के भजनपुरा में मंदिर और मस्जिद हटाने पर सियासत, आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिश ने उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने की अपील की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में डॉक्टर अनुपम अग्रवाल ने 24 साल के बेटे की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई, पुलिस ने हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। एमपी के दमोह में बीएसपी यानी कि बस बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई ने फिर दिखाई दबंगई और पुलिस वालों को चेकिंग करने पर रोका, पुलिस पर उगाही के आरोप लगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।